हौसलों में उड़ान हो तो मंजिल आसान होती है, बस कुछ कर गुजरने का जज्बा बरकरार हो। अपनी लगन और मेहनत से राहुल चौधरी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की बोली, संस्कृति और खिलाड़ी पूरे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाने जाते हैं, और खासकर खेलों में तो हरियाणा के छोरे और छोरियों का कोई जवाब नहीं। जी हाँ, एक और छोरे ने शूटिंग में ऐसा जादू दिखाया कि गोल्ड मेडल अपने नाम किया। गाजियाबाद में राष्ट्रीय स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। राहुल चौधरी ने शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता। 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में प्रथम स्थान हासिल किया। राहुल चौधरी को 200 पॉइंट में से 193 अंक लेकर प्रथम स्थान मिला। प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, जूडो, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, शूटिंग, कबड्डी और टेबल टेनिस प्रतियोगिताएं हुई। विजेता खिलाड़ियों को खेल मंत्री चेतन चौहान ने सम्मानित किया। राहुल के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरे परिवार में खुशी की लहर है। घर पहुंचने पर राहुल चौधरी का उनके परिजनों ने मिठाई खिलाकर स्वागत किया। राहुल इस सफलता से बेहद खुश हैं। क्या कहते हैं सुनिए। जो प्रेरणा मेरे को मिली है वो सबसे मिली है। आई एम थैंकफुल फॉर टू माय फैमिली, टू माय फादर, टू माय मदर, टू माय ग्रैंड मदर एंड माय ग्रैंडफादर एंड माय ब्रदर। Many steps left for my achievements, and I surely want to be in the Indian team, and I want that one day I should be on the top of the world. देश को सीना चौड़ के ये कह सकूं कि हाँ, मैं भारत का एक शूटर हूँ, और मेरा बस हर शूटर की तरह मेरा सपना है कि मैं भारत की तरफ से गोल्ड मेडल लेके आऊँ और अपने परिवार को परिवार और देश का नाम रोशन करूं। वहीं परिजन भी खुशी से फूले नहीं समा रहे। राहुल के दादा दादी कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान बहुत ऊंचाई पर पहुंचा है, इसे हमारा आशीर्वाद है इसके साथ। 17 साल के राहुल ने 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीतकर परिजनों को वो खुशी दी है जिसको वो शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बस उम्मीद आगे यही है कि राहुल विदेशों में भी इसी तरह से कमाल दिखाएं। हरियाणा न्यूज़ के लिए फरीदाबाद से राजा पटेल की रिपोर्ट।